reality of Xiaomi HyperOS for Redmi Note 12 Pro and Redmi Note 12 Pro Plus. So जैसा कि यहाँ पे Redmi Note 12 Pro सीरीज़ यानी कि Redmi Note 12 Pro Pro Plus, मैं यहाँ पे Redmi 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Pro Plus की बात कर रहा हूँ, जिसको यहाँ पे Android 13 का चाइना स्टेबल अपडेट 14.0.3.0, 14.0.2.0, 14.0.1.0 इन सारे बिल्ड्स में उसको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। सो यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Pro Plus को Android 13 इतने महीनों बाद यहाँ पे देखने के लिए मिला था, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और इसके बाद भी इसमें इतने सारे बिल्ड्स यहाँ पे रिलीज़ किए गए। लास्ट बिल्ड यहाँ पे 14.0.3.0 का एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड फुली रिलीज्ड जुलाई सिक्योरिटी पैच में 31 जुलाई को किया गया था, लेकिन यहाँ पे 31 जुलाई के बाद यहाँ पे बैड न्यूज़ ये है कि Redmi Note 12 Pro में एंड्रॉयड 13 का अपडेट सस्पेंडेड करके सितंबर के मंथ में एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ किया गया है। अब मैं यूज़र्स को ये हज़ार बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि आपको 14.0.9.0 एंड्रॉयड 12 में सितंबर पैच मिलता है, सो इसका मतलब 14.0.3.0 एंड्रॉयड 13 का अपडेट सस्पेंडेड हो चुका है। सो यहाँ पे यूज़र्स ये भी समझ चुके हैं कि एंड्रॉयड 13 Redmi Note 12 Pro में कितनी मुश्किल बाद हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने इसको सस्पेंडेड कर दिया। और अब इसी के साथ यहाँ पे Redmi Note 12 Pro इंडिया के लिए 14.0.4.0 इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे चल रहा है सितंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ, और ये भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हम सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि एंड्रॉयड 13 यहाँ पे हमारा केवल और केवल चाइना में ही सस्पेंडेड किया गया है। ग्लोबल रीजन में भी किया गया था, लेकिन ग्लोबल रीजन में फुली रिलीज़ कर दिया है, लेकिन OTA के थ्रू किसी भी यूज़र को वो अपडेट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। और यहाँ पे HyperOS की इंटरनल टेस्टिंग Redmi Note 12 सीरीज़ के लिए स्टार्ट हो चुकी है, Redmi Note 12 Pro Pro Plus के लिए भी, लेकिन यहाँ पे जब चाइना में Android 13 ही नहीं आया, सो यहाँ पे ग्लोबल में Android 14 HyperOS कैसे आ सकता है। सो सिंपली अब आपको वेट करना है Android 13 का चाइना में, और Android 13 में चाइना में रिलीज़ होने के बाद HyperOS को भी यहाँ पे इंटरनली टेस्ट किया जाएगा चाइना रीजन में, क्योंकि आपको पता है चाइना रीजन यहाँ पे मेन रीज़न है। चाइना रीजन के बिना आपको ग्लोबल में HyperOS Android 14 यहाँ पे देखने के लिए मिल ही नहीं सकता। तो सिंपली अब आपको वेट करना है, जब भी इसके रिगार्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी चाइना में Android 13 रिलीज़ किया जाएगा, लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।